Nirgaman Adhyay Solah. Nirgaman Adhyay Solah. Phir Elim se kuch karke Israelion ki sari mandali Misra desh se nikalne ke mahine ke dusre mahine ke 15ve din ko Sin naam jangal mein jo Elim aur Sine parvat ke beech mein hai aa pahunchi. Jangal mein Israelion ki sari mandali Musa aur Harun ke viruddh bakchak karne lagi aur Israeli unse kehne lage ki jab hum Misra desh mein maas ki haddiyon ke paas baithkar manmana bhojan khate the tab यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो तब यहोवा ने मूसा से कहा देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से ज्यादा दुना होगा इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो फिर मूसा ने कहा यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है और हम क्या है तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है फिर मूसा ने हारून से कहा इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने बरन उसके समीप आवे क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया तब यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है उनसे कहा कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी और जब ओस सूख गए तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकोप के समान पड़े हैं यह देखकर इस्राएली जो न जानती थी कि यह क्या वस्तु है सो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है तब मूसा ने उनसे कहा यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है तो जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करे और इस्राएलियों ने वैसा ही किया और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया और जब उन्होंने उसको ओपे से नापा तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें कुछ बिहान तक न रख छोड़े तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक छोड़ रखा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा तब मूसा
उन पर क्रोधित हुआ और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे दो दो ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें तो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिझाना हो उसे सिझाओ और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस बात की आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा तब न तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। छह दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे परंतु सातवां दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें से वह न मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई सातवें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए परंतु उनको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं को और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है इसी कारण वह छठवें दिन को दो दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, सातवें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। लोगों ने सातवें दिन विश्राम किया और इसराइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वही रखा रहे। इसराइली जब तक बचे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे। एक ओमेर तो एपा का दसवां भाग है।